हे गाइस, माय नेम इज़ देवेश और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पटनी टाउन। सबसे पहले मैं इस टूर की कुछ मेन डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ये टूर हम लोगों ने किया था जनवरी 2019 में। वहाँ पर हम लोगों ने पटनी टॉप में 2 नाइट्स स्टे किया था। इस पूरे टूर की मैं एक बजट ब्रेकडाउन वीडियो बना चुका हूँ जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। उसमें आपको होटल्स, फूड, ट्रांसपोर्टेशन इन सभी की कॉस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस कार्ड पर आप क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली प्लेस जो है वो है हमारी इको पार्क पटनी टॉप, जहाँ पर आप होटल्स में स्टे करोगे। उन्हीं के पास में लगभग 500-600 मीटर की हाइक करने के बाद आपको ये पार्क मिलेगा, जहाँ पे मेनली सभी के सभी टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। तो विंटर्स के टाइम में जब ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है तो ये सिर्फ एक प्लेस बचती है जहाँ पर आप जाकर फुल एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं लाइक स्लेजिंग। तो हम लोगों ने लगभग 4 से 5 घंटे यहीं पर पूरा स्पेंड किए थे और फुल एंजॉय हम लोगों ने यहाँ पर किया था। यहाँ पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो आपको फूड का भी कोई इश्यू नहीं होगा। अब हमारी सेकंड प्लेस है नाथा टॉप। ये प्लेस विंटर्स में एक्सेसिबल नहीं हो पाती है, लाइक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के टाइम में। इन 4 महीनों में इस प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है, तो ये प्लेस ब्लॉक हो जाती हैं। बट आप समर्स में इस प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। पटनी टॉप से लगभग ये 14 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ये प्लेस है। अगर आप 30 मिनट्स की ड्राइव करोगे तो आप इस प्लेस तक पहुंच जाओगे। फिर वहां पहुंचने पर आपको थोड़ी सी हाइकिंग करनी होगी और फिर हाइक करके आप नाथा टॉप के टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे। वहां से आपको बहुत ही प्यारे प्यारे हिमालयाज के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बहुत ही प्यारी प्लेस है। अगर आप समर्स के टाइम में आ रहे हो तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब सेम हमारी थर्ड प्लेस भी ऐसी ही है, जिसका नाम है माधा टॉप। ये प्लेस पटनी टॉप से 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आती है। बट जैसे कि मैंने बताया, ड्यू टू हैवी स्नोफॉल विंटर्स में ये प्लेस भी एक्सेसिबल अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप समर्स में इस प्लेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी ट्रैक है जिसको करके आप टॉप पर पहुंच सकते हो और वहां पर काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक पैराग्लाइडिंग। अब हमारी फोर्थ प्लेस है सानासार विलेज। ये प्लेस फेमस है 2 लेक्स के कारण, साना एंड सार। पटनी टॉप से लगभग ये 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है, तो लगभग आप 1 घंटे की ड्राइव करके इस प्लेस तक पहुँच सकते हो। सेम वही प्रॉब्लम है, विंटर्स में आप इस प्लेस को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे बिकॉज रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं स्नो की वजह से। ये प्लेस काफ़ी फेमस है काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे कि अगर हिमाचल प्रदेश में खजियार गए हो तो सेम ऐसे ही ये कुछ प्लेस है। और यहाँ पर काफ़ी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग एंड सो मैनी मोर। यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स भी है, तो अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है तो यहाँ पर आप फुल एंजॉय कर सकते हो। तो ये प्लेस भी एक्सेसिबल होती है समर्स के टाइम में, लाइक फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर तक। अब हमारी फिफ्थ प्लेस है शंखपाल टेंपल। ये एक काफ़ी फेमस टेंपल है जो कि सानासार से सिर्फ 1 घंटे की ट्रैकिंग करके आप उस तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये टेंपल माना जाता है कि 400 ईयर्स ओल्ड टेंपल है। जब आप टॉप पर पहुँच जाओगे तो आपको काफ़ी बड़े मैदान में सिर्फ एक बिल्डिंग दिखेगी, वो होगी शंखपाल टेंपल की। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी खुला एरिया है। तो अगर आपको पिकनिक वगैरह करना भी पसंद है तो आप वहाँ पर पिकनिक वगैरह भी कर सकते हो। इस प्लेस का ऑल्टीट्यूड जो है वो है अराउंड 2900 मीटर्स का। अब हमारी सिक्स्थ प्लेस है शिवागढ़। ये प्लेस भी हमारी सिर्फ समर्स में एक्सेसिबल हो पाती है। इस प्लेस तक पहुंचने के लिए आपको पटनी टॉप से लगभग 11 किलोमीटर्स की ट्रैक करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है तो समर्स में आप यहाँ पर आकर ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ऊपर पहुंचकर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। और अगर आपको पिकनिक करना पसंद है तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट है। अब हमारी सेवन्थ एंड लास्ट प्लेस है नाग मंदिर, जिसको हम कोबरा टेंपल भी बोलते हैं। ये प्लेस जहाँ पर आप पटनी टॉप होटल्स में स्टे करोगे उसी से लगभग 400-500 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये टेंपल माना जाता है कि 600 ईयर्स ओल्ड कोबरा टेंपल है। ये प्लेस काफ़ी फेमस है नाग पंचमी फेस्टिवल के लिए। इस फेस्टिवल के दिन यहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड आता है और ये प्लेस लगभग मोस्ट ऑफ द ईयर एक्सेसिबल रहती है।
तो ये थी मेन प्लेसेस पटनीटॉप एंड पटनीटॉप के आसपास के एरिया की। आप इन सभी प्लेसेस को लगभग 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो। पटनीटॉप में और भी प्लेसेस हैं जो कि अराउंड 30 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर पाई जाती हैं, बट वो प्लेसेस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं बिकॉज वो काफ़ी दूर पड़ जाती हैं। और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम लोगों ने जैसे ये टूर जनवरी में किया था तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल थी और काफ़ी सारे रोड्स ब्लॉक हो चुकी थी, तो इनमें से काफ़ी सारे प्लेसेस हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने बस नाग मंदिर एक्सप्लोर किया था और उसके बाद हम इको पार्क गए थे, जहाँ पर हम लोगों ने स्लेजिंग की और हम लोगों ने फुल स्नोफॉल वगैरह इन्जॉय किया था। बाकी की जो प्लेसेज हैं वो आप समर्स के टाइम में इन सभी को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको पटनीटॉप के रिगार्डिंग और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी बजट ब्रेकडाउन वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, तो उस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हो। एक बार मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हमारी खुद की ट्रैवल कंपनी भी है, तो अगर आप हमारे साथ में टूर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप की लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप उस पर क्लिक करके हमें सीधा व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे पास काफ़ी सारे टूर्स अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, राजस्थान, इन सभी प्लेसेस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।